दूध की थैली रखी है, इस तरीके का वाक्य में आप प्रयोग करवाएंगे तो उसका दृढ़ीकरण निश्चित तौर पर विशेषण समझने में उसकी मदद होगी और विद्यार्थी भली भांति इस बात को विशेषण के तौर पर समझ पाएगा। और इसके दृढ़ीकरण के लिए पृष्ठ क्रमांक 44 आप जरूर देखें, जिसमें जिसके अंतर्गत ये दिया गया है। अगले बिंदु पर कार्य हमारा। दैनंदिन जीवन में कक्षा में, कक्षा के बाहर, घर, हर प्रकार की क्रियाएं हमने देखी है। पंछी दाना चुग रहा है, शिक्षक कक्षा में शाम पट पर लिख रहा है, बच्चा क्लास में मस्ती कर, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। इसे कहते हैं क्रिया, यानी जो करने का या होने का मित्रों बोध कराए, जो करने का या होने का मित्रों बोध कराए। सुनो, ऐसे वाक्य सारे शब्द क्रिया कहलाए। आकृति में भी देखेंगे, बच्ची सेब खा रही है, माँ सुला रही है, अलमारी में से उनके सारे जो खिलौने हैं वो गिर रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, ये सब क्रियाओं का समावेश इसमें किया गया है। यह क्रिया खास तौर पर पत्र पाठ में ली गई हैं, महात्मा गांधी जी का पत्र है, जिसके माध्यम से इसमें आए हुए क्रिया के शब्दों और उसके भेदों के प्रयोग को आप आसानी से समझा सकते हैं। और इसका दृढ़ीकरण किसी भी एक चित्र के माध्यम से, जैसे स्क्रीन पर देखे गए लिखा हुआ है कि खेलना से संबंधित चित्र। अब खेल कई तरीके के हो सकते हैं, उस तरीके के खेल के अलग अलग चित्र दीजिए और उसके माध्यम से इन विशेषणों को आप पढ़ा सकते हैं। नव व्याकरण का एक बिंदु है काल, जिसे कहा जाता है क्रिया के काल। परिचय, इसका भी परिचय हमें भेदों सहित देना है। कृति पर आधारित एक खेल पृष्ठ क्रमांक 50 पर दिया गया है और उनके भाव विश्व की एक मजेदार बात यहाँ पे लिखी है। बच्चे आपने देखा होगा टीवी पर देखते हैं गणेश की वो जो सीरियल आती है, उसमें दिखाया जाता है कि गणेश, बाल गणेश जो होता है बड़े मजेदार मोदक लड्डुओं को खाता है थाल में। अभी दिखाया, अभी खत्म हो गया। वो उनके भाव विश्व में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करी है और इस तरह के चित्रों का समावेश किया है। एक पेटू उन्हीं के क्लास का, जैसे एक बच्चा आप दिखाई दे रहे हैं जिसमें आज अगर उसके पास थाल में भरा हुआ है और वो लड्डू खा रहा है तो कौन सी क्रिया, खाली थाल है उसमें कौन सी क्रिया होगी, और जो बैठ हाथ देख रहा है बड़े मजे से खुश होकर तो कौन सी क्रिया होगी। क्रिया के इस काल को इन तीन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश इस कृति के माध्यम से तो हमने की है, मगर बेहतर तरीके से क्लास में अन्य कृति के माध्यम से भी आप क्रिया के इस काल को समझा सकते हैं। तो दूसरा चरण है क्रिया के काल का अभ्यास। तो कविता में आए काल, जैसे था, है और रहेगा, इनका भेदों सहित वाक्य आप इनको कहलाएं। यह कृति आप क्लास में शाम पट के माध्यम से तो नहीं होगी, हाँ आप खेल खेल में ही करा सकते हैं, कक्षा में से जरूर करवाएं। और इसी पाठ की पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के अंत में एक चित्र वाचन दिया गया है, जो चित्र वाचन में कुछ चित्र दिए हैं उन चित्रों पर वाक्य लिखवा कर भी आप इस क्रिया के काल का दृढ़ीकरण कर सकते हैं। अगला जो चरण बिंदु है वह है मैं कौन। अब यह सवाल उठता है कि मैं कौन, इसमें है वाक्य के भेद। इसके अंतर्गत रचना के आधार पर आप जानते हैं रचना, वाक्य के भेद एक है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। इस साल हम रचना के आधार पर उन्हें इसका परिचय देंगे। और परिचय कृति पर आधारित खेल जो दिया है पृष्ठ क्रमांक 46, और आप चित्र देख रहे हो। अगर आप बीच की लाइन उसे हटा दें तो आप देखेंगे पूरा एक चित्र दिखाई देता है, वो पूरा बगीचे का चित्र, तीन न होकर एक बगीचे का चित्र है, जिसमें पहले चित्र पर सरल वाक्य, दूसरे चित्र पर संयुक्त वाक्य और तीसरे चित्र पर मिश्र वाक्य है। कैसे आए हैं ये अब हम आपको आगे समझाएंगे, पर आप चित्र में देखिए कि सरल वाक्य बाग में फूल खिल रहे हैं। संयुक्त वाक्य अगर हमें बनाना है तो आप उसे कहेंगे कि फूलों बाग में फूल खिल रहे हैं और उस पर तितलियां मंडरा रही है, और मिश्र में बाग में तो फूल खिले हैं, तितलियां मंडरा रही है और बच्चे भी खेल रहे हैं, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो कहानी में वाक्य आने की प्रक्रिया एवं रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार आपको समझाना है, और वाक्यों के तीन प्रकार सरल, संयुक्त और मिश्र, जिसे अलग अलग उदाहरण से आपको समझाना है।
इस वाक्य में प्रयोग का दृढ़ीकरण करने के लिए एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, वो देखिए कि दृढ़ीकरण में लिखा है हम पेड़ के तने में रहते हैं। ये पूरा वाक्य है जिसमें कहीं भी की और किंतु जो से दो वाक्यों को एक प्रधान और उसके आधारित वाक्य को जोड़ा नहीं गया है, ये सरल वाक्य है। किंतु दूसरा वाक्य आप देखेंगे टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया को और इससे जोड़ा गया है तो जो संयुक्त वाक्य बना रहा है कि टीटू गिलहरी पड़ोस, चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। तीसरे वाक्य पर अगर हम ध्यान आकर्षित करें तो इसमें देखिए मैंने और चिंकी ने अंडे दिए कौमा अभी एक दिन में नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। इस वाक्य में एक वाक्य पूरा है कि मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, देखिए ये वाक्य यहाँ पूरा हुआ, उसके बाद अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था दूसरा वाक्य और आसमान में अंधेरा छा गया, तीनों वाक्यों को जो जोड़ा गया है इस तरीके के वाक्य यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यह था हमारा नया व्याकरण जो प्रथम चरण में हमको कक्षा छठी के विद्यार्थियों को इस नए कृति पर आधारित सुलभ भारती के अंतर्गत पढ़ाना था। तो आइए हम देखते हैं कि पुनरावर्तन में भी क्या होना चाहिए। तो पढ़े हुए व्याकरण के अभ्यास और उसका दृढ़ीकरण हमें जो करना है तो पहले पुनरावर्तन में स्वर व्यंजन विशेष वर्ण मात्रा पंचमाक्षर और 12 खड़ी के अंतर्गत इस पाठ्य पुस्तक में कहाँ कहाँ कृतियाँ आई हैं तो लययुक्त शब्द पृष्ठ क्रमांक 5 पर है, वर्णमाला पृष्ठ क्रमांक 6, समानार्थी शब्द पृष्ठ क्रमांक 9, आपकी मुहावरे और कहावतें पृष्ठ क्रमांक 11, 12 खड़ी समझो पृष्ठ क्रमांक 12, जोड़ो हमें संयुक्ताक्षर पृष्ठ क्रमांक 25, विरुद्धार्थी शब्द पृष्ठ क्रमांक 31, समझो हमें पंचमाक्षर पृष्ठ क्रमांक 32 में दिया गया है। पुनरावर्तन के द्वितीय चरण में पढ़े हुए व्याकरण का अभ्यास और दृढ़ीकरण कराने के लिए हम पुनरावर्तन के अंतर्गत लिंग वचन उपसर्ग प्रत्यय वाक्य के भेद रचना के आधार पर इन सारे पुनरावर्तन का समावेश पाठ्यपुस्तक में किन किन पृष्ठों पर किया गया है ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, तो ध्यान आएगा लिंग वचन पृष्ठ क्रमांक 16, उपसर्ग पृष्ठ क्रमांक 35, प्रत्यय पृष्ठ क्रमांक 38, क्रिया पृष्ठ क्रमांक 6, संज्ञा सर्वनाम पृष्ठ क्रमांक 36, कारक पृष्ठ क्रमांक 39, विशेषण पृष्ठ क्रमांक 44 और विराम चिन्ह पृष्ठ क्रमांक 48। मित्र देखिए अभी तक जो पुनरावर्तन की बात मैंने करी है पृष्ठ क्रमांक आपको बताएं उसमें ये सब खेल आकृति के माध्यम से आप स्क्रीन पर देखिए सारे खेल और कृति के माध्यम से यह अभ्यास और दृढ़ीकरण के अंतर्गत दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इस व्याकरण को कैसे पढ़ाया जाए, स्तर तो हमने बता दिया कि वेदों सहित व्याकरण पढ़ाए अभ्यास कराए, यह भी निर्देश आपको दे दिए, यह भी हमने आपको बता दिया कि उसका दृढ़ीकरण भी आपको करना है, मगर किस तरीके से करना है तो हमें उसकी पूर्व तैयारी करनी होगी। पूर्व तैयारी यानी कौन सी तैयारी, तो पहली होगी कि हम कक्षा में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी करें, कक्षा में जाने के बाद किस तरह कौन सी तैयारी और किस तरह की तैयारी अपेक्षित है और उसके ऊपर हमारा क्या चिंतन होना चाहिए। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कक्षा में जाने से पूर्व उसके अंतर्गत भी हमें दो श्रेणियों पर बात, दो स्तर पर बात करनी है, तैयारी करनी है। पहली है कि अगर मैं कक्षा में संज्ञा पढ़ाने सर्वनाम पढ़ाने जाऊं तो मैं स्वयं क्या तैयारी कर पाऊंगा, दूसरा विद्यार्थियों को पढ़ाना है उनके भाविश्व में जाकर पढ़ाना है उसे रोचक मनोरंजक और आकर्षक बनाना है उन्हें भी इसमें सहभागी करना है तो मैं कौन सी कृति कौन सा भाषाई खेल इस किसको मैं समाहित करूंगा, जिसको मैं भाषाई खेल या कृति को समाहित करूं तो उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी कृति मुझे करनी पड़ेगी उसके लिए कौन सी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। आइए उस मुद्दों पर बात करते हैं, मैंने नाम हमारे संज्ञा इसके लिए, अब संज्ञा की बात अगर हम करें तो संज्ञा में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव समूह को हम संज्ञा कहते हैं, इसके आधार पर हम उनके भेद व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो आप
और हम इससे परिचित हैं, हमें विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना है। तो सबसे पहले अगर स्वयं की तैयारी करनी है तो आपको देखना होगा विकारी शब्द की जानकारी प्राप्त करें। विकारी शब्द की जानकारी प्राप्त करने के बाद उसकी पहचान और उसका प्रयोग, इससे अवगत आपको होना होगा। साथ में आपको चार भेदों से संज्ञा एवं उसके भेदों की सूक्ष्म जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। तीसरा, चित्र शब्द आदि का संग्रह भी आपको करना होगा। अब विद्यार्थियों के लिए क्या तैयारी होगी? विद्यार्थियों के लिए तैयारी होगी कि संज्ञा के भेदों को स्पष्ट करने वाले चित्र, कार्ड, प्ले कार्ड, शब्द कार्ड और आपके पास होने चाहिए। तो चित्र कार्ड बनाएं और शब्द कार्ड बनाएं। दूसरा, संज्ञा भेदों को स्पष्ट करने वाले विभिन्न चित्र और उसके शब्द कार्ड भी आपको बनाने होंगे। अब कक्षा में जाने के बाद आपको कौन सा कार्य करना है? तो कक्षा में सर्वप्रथम विद्यार्थियों के दो गुट आपको बनाने हैं। उनको विद्यार्थियों को दो गुट अलग अलग बनाइए। शब्दों का वो क्या करेगा कि शब्दों का वर्गीकरण करेगा। विद्यार्थियों को खेल संबंधी आप सूचनाएं दें। दो गुटों में से एक गुट को चित्र कार्ड दे और दूसरे गुट को शब्द कार्ड आप उन्हें दे। और शब्द कार्ड देने पर पहला गुट चित्र दिखाएगा और दूसरा गुट उस चित्र से संबंधित शब्दों को दिखाए। यानी कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो आपने 20-20 के गुट बना दिए। दो दो विद्यार्थियों में अगर चित्र कार्ड 10 और शब्द कार्ड 10, अगर चित्र हमने पहाड़ का दिखाया है तो एक गुट चित्र दिखाएगा पहाड़ का। जिस भी विद्यार्थी के पास पहाड़ या शब्द का कार्ड होगा वो विद्यार्थी खड़ा होकर दिखाएगा। उसके साथ किसी एक विद्यार्थी को आप फलक पर इन शब्दों को लिखवाएं और लिखाए गए शब्दों द्वारा उन्हीं से इनके भेद, संज्ञा के भेद जो आपने अब तक क्लास में समझाए, इस आधार पर समझाएं। और सिर्फ समझाएं नहीं तो उनका वाक्य में भी प्रयोग समझाएं, क्लास में करवाएं। तो यह था मित्रों भाषा अध्ययन के अंतर्गत क्रियात्मक व्याकरण भाषा की ओर का चौथे चरण का परिचय प्रश्न। अब आपने अब तक हमने आपको समझाया किस तरीके से इसे पढ़ाना है, किसे इसे मनोरंजक आकर्षक उनके भाविश्व में जाकर आपको बताना है। अब बारी है आपकी। अब सवाल है आपसे कि देखें आपने क्या समझा, कितना समझ में आया है यह व्याकरण। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए कि कौन सी पद्धति आसान है, पारंपरिक व्याकरण पद्धति या कृति खेल आधारित। ये दो पद्धतियों का आपको, दो पद्धतियों की तुलना करनी है और क्यों है यह भी संक्षेप में लिखना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि इन पद्धतियों के अलावा क्या व्याकरण को किसी अन्य पद्धतियों द्वारा समझाया या पढ़ाया जा सकता है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी अध्यापक, कुछ पुराने अनुभवी, कुछ नए जो नई शिक्षा के माध्यम से, नई शिक्षा से जुड़कर आए हैं, नए नए विचारों को और नई नई विचारधारा को लेकर आए हैं। जाहिर है हम चाहते हैं कि हमारे भी आसान मनोरंजक तरीके से व्याकरण पढ़े, इसलिए इसमें आपको कि किस तरीके से इसे समझाया जा सकता है और वह पद्धति कौन सी होनी चाहिए उसको भी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए कि हमने विकारी शब्दों का परिचय आप लोगों को दिया, क्या आप इन शब्दों के भेदों से अवगत है, इन शब्दों विकारी शब्दों के भेदों से अवगत है। चौथा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में किस पाठ का चयन रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाने के लिए किया जा सकेगा। पाठ में कहानी, कविता, पत्र का चित्र वाचन बहुत कुछ दिया है और इसके आधार पर आप पाठ्य पुस्तक के किस पाठ का चयन, क्योंकि वाक्य के जो भेद आपको पढ़ाने हैं वह रचना के आधार पर है। पांचवा प्रश्न है पुस्तक में कौन सा व्याकरण समाहित किया गया है, किस व्याकरण को हमने इसमें, नए व्याकरण को समाहित किया है, किन किन बिंदुओं को हमने छुआ है, यह भी जानकारी आपको देनी है। और एक महत्वपूर्ण सवाल और प्रश्न आप लोगों के लिए है कि पुनरावर्तन या स्वाध्याय में दिया गया व्याकरण का जो अभ्यास है, क्या व्याकरण दृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त है, क्योंकि व्याकरण जो भाषा की, भाषा का स्तंभ है,
नींव है, आधार है, जिससे बच्चे दूरी बनाए रखते हैं, झिझक होती है। इसको हम लोगों ने तो अपनी अपनी ओर से आकर्षक कृति प्रधान बनाने की कोशिश की है, मगर अब बारी आपकी है कि आप इसे कितना रोचक और मनोरंजक बनाकर उन बच्चों तक पहुंचाते हैं, विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, और उस व्याकरण के दृढ़ीकरण के लिए जो जो व्याकरण नए और पुनरावर्तन के अंतर्गत इसमें दिया गया है, क्या ये पर्याप्त है या इसे अधिक दिया जाए? आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। जाहिर है कि आपके अगर अच्छे सुझाव, अच्छी व्याकरण पद्धति हमें प्राप्त होगी तो हमारी अगली आने वाली जो कृति आधारित पुस्तक होगी उसमें इसका समावेश हम जरूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, एक बार पुनः डॉक्टर वर्षा पुनमटकर, मैं वर्धा स्कूल ऑफ स्कॉलर की प्रिंसिपल, आप सभी का सभी को नमस्कार करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा वी मिश्रा बृहन्मुंबई महानगर पालिका में 26 वर्षों से शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और पाठ्यपुस्तक मंडल हिंदी भाषा समिति महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल बाल भारती पुणे में विगत 4 वर्षों से कार्यगत सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर सवेरे से एकत्रित हुए हैं और विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, अलग अलग शिक्षकों ने आपका मार्गदर्शन किया ही है, पर ये सारी चीज़ें जो आपने सवेरे से लेकर के अब तक सीखी, वो कहाँ तक सीखी, इसका पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो हमारे जहन में एक ही शब्द उभरता है और वो है मूल्यमापन। आज का मेरा विषय भी मित्रों मूल्यमापन ही है, आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। मूल्यमापन शब्द सुनते ही हमें एकदम बोझिल सा माहौल हमारे सामने आ जाता है कि अरे अब तो बड़ा काम करना है, मूल्यमापन करना है, क्योंकि हमने उस शब्द का रूप ही ऐसे बना दिया कि मूल्यमापन शब्द सुनते ही हमारे सामने बहुत सारे काम, बहुत सारे उनकी गतिविधियां आकर के सामने एकत्रित हो जाती हैं और हम एकदम परेशान हो उठते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मूल्यमापन तो व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से वो सीखने का काम शुरू कर देता है और जब तक वही इस धरती पर होता है तब तक उसकी सीखने की प्रक्रिया चलती ही रहती है। और इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हमने जो सीखा, कहाँ तक सीखा, वो कहाँ तक सीखा, वह जानने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं, जिस साधन के उपयोग के बारे में हम सोचते हैं, वह है मूल्यमापन। अब बच्चे की सीखने की शुरुआत घर से ही होती है। घर में जब वह उसके माता पिता, उसके बड़े बुजुर्ग, उसके दादा दादी, नाना नानी या और भी रिश्तेदार हैं, वे उन्हें हर कदम पर, पग पग पर नई नई बातें सिखाते ही रहते हैं। और वो जो नई बातें वो उन्हें सिखाते हैं वो उस बच्चे ने ग्रहण किया नहीं, उसने सीखा या नहीं, इसका